न्यूज जरा हटके ने आपको बताया था कि नित्यानंद राय भाजपा की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, जो अभी देश के गृह राज्य मंत्री है। उनका नाम बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपाई मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे है। नित्यानंद राय अभी भी बेहद जिम्मेदार पद पर विराजमान है, जिनके अंदर देश की कानून व्यवस्था आती है, लेकिन वो उसी कानून व्यवस्था को लेकर कितने गैर जिम्मेदार हैं उसका एक नमूना आपको दिखाता हूँ। जब पत्रकारों ने देश के गृह राज्य मंत्री से भागलपुर ब्लास्ट के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्हें वहां हुए ब्लास्ट की चिंता नहीं, बल्कि देश में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बाद भाजपा सरकार बनाने की चिंता दिखी। जरा खुद ही सुनिए कि आपने जिसे कानून व्यवस्था संभालने के लिए चुना है उन्हें आपकी कितनी चिंता है। सर, क्या केंद्रीय टीम सर क्या इस पर कुछ संज्ञान ले रही है? चलिए सर, इसको कितनी गंभीरता से आप लोग ले रहे हैं? भागलपुर के प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में सरकार बनेगी और पंजाब में भी भारी बहुमत से। भागलपुर में भी सर ब्लास्ट हुआ सर? सर 15 लोगों की मौत हो गई है सर भागलपुर में। सुन लिया आपने, हमारे देश के गृह राज्य मंत्री को जिन्हें 5 राज्यों में तो सरकार बनाना है लेकिन कहीं अगर कानून व्यवस्था दांव पर लगा हुआ है तो उसकी चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं है और न ही उस पर उन्हें कोई जवाब भी देना है। और पार्टी इन्हें अब और भी जिम्मेदारी देने वाली है, यानी इनका नाम बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए भी सबसे आगे चल रहा है। सर, इसको कितनी गंभीरता से आप लोग ले रहे हैं? भागलपुर के ब्लास्ट प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में सरकार बनेगी और पंजाब में भी भारी बहुमत से। भागलपुर में भी सर ब्लास्ट हुआ सर? सर 14 लोगों की 15 लोगों की मौत हो गई है सर भागलपुर में।